नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अभी तक हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए, टेक्नीशियन के लिए। आज मैं बहुत अच्छी वीडियो एक लेकर के आया हूँ आपके लिए। हार्डवेयर से रिलेटेड ये वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ये एक लाइट सेक्शन के बारे में विथ प्रैक्टिकल ट्रेसिंग के साथ ये वीडियो है फ्रेंड्स। मैं बताना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं और बहुत देर तक नहीं खींचूंगा, बहुत ही जल्द और बहुत अच्छा एक आपको रिजल्ट देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारे नए नोटिफिकेशन आपको जैसे ही हमारे डाउनलोड हो वैसे ही आपको मिल जाए फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बना दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा आज लाइट सेक्शन के बारे में बताऊंगा, आज आपको लाइट सप्लाई के बारे में एक पूरे बोर्ड के साथ। ऐसा नहीं कि मैं बस ये सर्किट डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, मैं फ्रेंड्स पूरे ट्रेसिंग के साथ बताऊंगा और हर एक चीज़ बताऊंगा फ्रेंड्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिस्प्ले लाइट के बारे में, आईसी के बारे में, उसकी ट्रेसिंग के बारे में, ओप्पो A5 के बारे की लाइट आईसी के बारे में मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने खोल रखा हुआ है, आपको मैं पहले दिखा दूँ, पहले इससे मैं आपको इंट्रो करा दूँ सारी चीज़ें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका ओप्पो का A5 बोर्ड है। ये देख सकते हैं अपर लोअर, ये ओप्पो का A5 मॉडल है जो कि मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं बता दूँ, इसकी चाहे लाइट सेक्शन हो, चार्जिंग सेक्शन हो, मैं हर एक सेक्शन के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और पर डे एक दो वीडियो हमेशा आपके लिए बनाऊँगा। लाइट से रिलेटेड, चार्जिंग से रिलेटेड, सारे चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा फ्रेंड्स। तो मैं आज के लिए वीडियो लाइट सेक्शन का वीडियो है, लाइट सेक्शन का मैं उसको दिखा दूँ आपको। ये उसकी लाइट आईसी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लाइट आईसी है। इसकी फुल मैं ट्रेसिंग के साथ वीडियो देने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है फ्रेंड्स ये। तो ये देख सकते हैं आप, ये लाइट 6 लेग की आईसी है जो कि ओप्पो में जो लगी हुई है मैं उसके बारे में बताऊंगा। BQ मिलेगी, फिर जो भी मिलेगी, जैसी भी आईसी मिलेगी मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं बता रहा हूँ 6 लेग की आईसी जो कि इसकी फुल ट्रेसिंग बताऊंगा और बोर्ड के साथ, वो भी एक एक टिप्स और एक एक लाइनों के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। ओप्पो A5 मॉडल है, इसकी फुल ट्रेसिंग मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेसिंग बोर्ड भी रखा हुआ है। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये ओप्पो A5 का बोर्ड है। मैं आपको चार्जिंग सेक्शन, जो भी सेक्शन आपको चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, हम आपको सारे आपको यहाँ पे बताएंगे। जो भी आपको चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको सारी चीज़ बताएंगे। तो आप ये देख सकते हैं 6 लेग की आईसी है, 1 2 3 4 5 6, आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को मैं लेके चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। तो ये देखिए 6 लेग की आईसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोर्ड है, ये हमारा ओप्पो का बोर्ड है, A5 का बोर्ड है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे वही 6 लेग की आईसी है, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी फुल ट्रेसिंग में बताने वाला हूँ, एक एक पिन और एक एक कॉम्पोनेंट्स के बारे में बताऊँगा, जो कि आप अच्छे से, कभी भी आपके पास ओप्पो का A5 आए तो आप लाइट सेक्शन इसका 110% बना सकते हैं। तब जाके आप एक अच्छा सा कमेंट और एक एक लाइक और शेयर आप ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को। तो चलिए अब देर न करते हुए इसकी जो पहली पिन है फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा इसकी। जो पहली पिन होती है ये डिस्प्ले कनेक्टर के माइनस में जाती है, डिस्प्ले कनेक्टर के माइनस में जाती है फ्रेंड्स। जैसा कि देख सकते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे एक रजिस्टर लगा हुआ है, वो भी पैलर, आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, पैलर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डीपली नॉलेज में चाहिए तो हमारे ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन कर सकते हैं कि रजिस्टर वर्क क्या करता है। इस रजिस्टर का बहुत ही वैल्यूबल रजिस्टर है ये, मैं फ्रेंड बता दूँ, इस रजिस्टर का बहुत ही बड़ा काम होता है। इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए तो आप हमारे ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, तो ये देख सकते हैं उसके साथ साथ क्या लगा हुआ है। 6 लेग की ऐसी है, उसके साथ एक रजिस्टर, कैपेसिटर, और आपका ये होगा कैपेसिटर, कैपेसिटर, फिर इसमें लगा हुआ है एक कैपेसिटर पैलर में, सीरीज में लगा हुआ है फ्रेंड। चलिए अभी हम अपने बोर्ड में भी दिखाते हैं, ये आप वीडियो पूरी तक देखें, लास्ट तक देखें। तो देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर मिल गया फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे एक रजिस्टर, यहाँ पे कैपेसिटर, कैपेसिटर जो कि हमने दिखाया था, एक ये कैपेसिटर, इतने कॉम्पोनेंट्स मिल गए। ये आपका 1 जो कि जा रहा है कहाँ पे जाएगा फ्रेंड्स, ये डिस्प्ले कनेक्टर के माइनस पे जाएगा, डिस्प्ले कनेक्टर के माइनस में जाएगा। चलिए तो देख लिया आपने यहाँ पे लगा हुआ है, अब मैं देखते हैं अभी तो देखिए क्या इस पर डिस्प्ले कनेक्टर के माइनस पे कोई ब्लू आइकन दिखाई दे रही है क्या। आप देखिए येलो आइकन, सॉरी
ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर। तो आप बोलेंगे कि डिस्प्ले कनेक्टर कैसे हुआ, तो फ्रेंड्स मैं इसका डिस्प्ले कनेक्टर भी आपको दिखा देता हूँ। ये बैटरी कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर है। मैं इसकी बैटरी कनेक्टर पे भी वीडियो डालूंगा, इसकी पावर की पे भी वीडियो डालूंगा, बहुत सारी आपको पूरे फाइव, ये आपका जो A5 मॉडल है इसकी सारी वीडियो आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। आगे चल के आपको सारी वीडियो इसमें आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए मैं इसका पहले आपको बैटरी कनेक्टर दिखा दूँ, तो जूम आउट करूँगा मैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स दूसरे बोर्ड में हम जाएंगे, ये देखिए ये है इसका डिस्प्ले का कनेक्टर जो कि हमने बताया था आपको। बैटरी कनेक्टर के पास ये है आपका डिस्प्ले टच डार्क स्क्रीन, और ये आपकी डिस्प्ले कनेक्टर है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बैटरी कनेक्टर हुआ, ये डिस्प्ले कनेक्टर हुआ। चलिए तो अब हम अपने बोर्ड पे जाते हैं। ये देखिए है बैटरी कनेक्टर है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपका डिस्प्ले कनेक्टर हो गया। तो ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर हो गया। तो ये आपकी सारी पिनों को आपको हर एक ट्रेसिंग में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, और शायद ही आपको ये ट्रेसिंग की वीडियो और कहीं पर जल्दी मिले। तो अब हमें इस पर जैसे ही आप देखेंगे, ये ट्रेसिंग होता है फ्रेंड, ट्रेसिंग की क्लास आपको बहुत प्रॉपर चाहिए तो आप हमारे ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रेसिंग की क्लास प्रॉपर दी जाएगी। चलिए अब मैं इसको जैसे नीचे टैप करूंगा तो आप देखेंगे कहीं पर भी बीप नहीं आएगी आपको, ये ट्रेसिंग होता है, ये आपकी कहीं पे भी बीप नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए डिस्प्ले कनेक्टर के JP6 कनेक्टर नंबर है, ये इसमें जा रही है माइनस, ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर का माइनस है जो कि 9 पिन और 7वें पिन पे जा रही है, 1 2 3 5 6 7, और ये 7 और 9 पिन पे आपकी जा रही है। ये बैटरी कनेक्टर का माइनस सिरा है फ्रेंड्स। चलिए अभी आपकी पहली पिन हो गई, अब मैं आपको सेकंड पिन के बारे में इसकी बताऊंगा। सेकेंड पिन कुछ नहीं होता है, ये बस आपको मैं बता दूं, NC बोल सकते हैं, नॉट कनेक्टेड बोल सकते हैं, बस ये इसके साथ एक आपको कैपेसिटर मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये IC को प्रोटेक्ट करता है, जो भी इसकी कचरा होती है, जो भी होता है वो उसको ग्राउंड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक केवल कैपेसिटर लगा है, और कहीं पे भी कोई CPU, कहीं पे भी PM, PMI पे भी नहीं जा रहा है फ्रेंड्स, देख सकते होंगे आप। तो बस उसके साथ सेकेंड वाली पिन है, ये आपकी लगी हुई है एक कैपेसिटर के साथ फ्रेंड्स। अब तीसरा पिन इसका ग्राउंड होता है फ्रेंड्स, मैं बता दूँ तीसरी पिन इसकी ग्राउंड होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरी पिन इसकी ग्राउंड है। अब मैं इसकी चौथी पिन की बात करूँगा, तो चौथी पिन और ये पाँचवीं और छठवीं पिन को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। कभी भी आपके पास ओप्पो A5 बनने के लिए लाइट सेक्शन आएगा तो आप 110% बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए तो अब मैं बात करता हूँ इसकी 6 और आपकी 4 की। तो अब मैं 4 की बात करता हूँ, तो जो 6 और 4 होता है उसके साथ एक इनपुट होता है, एक आउटपुट लाइन होती है। तो जो आपका 4 है वो आउटपुट लाइन है, और जो आपका 6 है वो इनपुट लाइन है फ्रेंड्स। और ये 6 और 4 के बीच में एक बूस्ट कॉइल लगा होता है। ये सारी चीज़ आपको, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको 6 और 4 के बीच में बूस्ट कॉइल लगा होता है, जो कि अगर 6 और 4 बीप आएगा तो आपका बूस्ट कॉइल सही होगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपका बूस्ट कॉइल ख़राब है। बूस्ट कॉइल चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको बात करता हूँ 4 लेता हूँ, तो ये आपका आउटपुट लाइन हो गया फ्रेंड्स, ये आपकी आउटपुट लाइन हो गई। आउटपुट के बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये सीरियल वाइज है इसलिए मैं इसको 4 को अभी मैं ले लेता हूँ। पहले मैं इनपुट लाइन के बारे में बात करता हूँ, तो इनपुट लाइन इसकी 6 है, इनपुट लाइन इसकी 6 नंबर पिन है, जो कि BBAT या BPH हो सकता है, BSYS भी हो सकता है, जो कि BBAT जो प्राइमरी लाइन है वो इनपुट वोल्टेज होता है। इसमें 3.7 वोल्टेजेस आने चाहिए, अगर 3.7 वोल्टेज नहीं आता है फ्रेंड तो इसमें आप कहीं से भी 3.7 BBAT से आप दे सकते हैं। तो ये इनपुट लाइन है, जो कि इनपुट का सिरा एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये बूस्ट कॉयल लगा हुआ है। मैं फ्रेंड्स बता देता हूँ आपको, ये बूस्ट कॉयल है, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ बोर्ड में भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए उसके जस्ट बगल में बूस्ट कॉयल लगा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जस्ट उसके बगल में बूस्ट कॉइल लगा होगा। और ये जो कैपेसिटर था, ये दो नंबर वाली पिन का कैपेसिटर है फ्रेंड्स। मैं बताना चाहूँगा ये 2 नंबर वाली पिन की कैपेसिटर है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लूँगा और ये लेयर बनाता जाऊँगा, लाइन बनाते जाऊँगा, इसमें आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए ठीक है, लाइन तो नहीं बन रही है, लाइन बन भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, तो हम इसे मिटा देते हैं। चलिए तो अब मैं आपके बात करता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें। अब इसकी जो आपको बता दें, मैंने बूस्ट कॉइल को आपको दिखा दिया, बूस्ट कॉइल जब आप जैसे ही देखेंगे तो ये आपकी इनपुट वोल्टेज है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आप इन पे आपका
3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज आना चाहिए, इनपुट वोल्टेज आना चाहिए। अगर इनपुट वोल्टेज नहीं आएगा फ्रेंड तो आपका वो काम आईसी नहीं करेगी। चलिए तो ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया। अब मैं इसके देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे हम इस पर टैप क्लिक करेंगे अभी आप देखेंगे और कहीं पे बीप नहीं आ रहा होगा, मतलब और कहीं पे एलो मार्क नहीं होगा कौन सी आईसी से आ रहा है प्राइमरी, कहीं से भी आपको नहीं दिख रहा होगा। पर मैं जैसे इसको ट्रेसिंग करूँगा, जैसे ही मैंने इसको सेकेंड टैप पर रखूँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर फ्रेंड्स, ये देखिए ये सारे इनपुट वोल्टेज हैं, ये आप देख सकते हैं सारे आपके सीपीयू पे आ रहा है, आपका एमएमसी में जा रहा है, आपका यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पीएमआई में भी जा रहा है और आपका पीएमएम मेन पीएम में भी जा रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मेन पीएम में भी जा रहा है। अगर आपका लाइट ये आपका है इनपुट वोल्टेज फ्रेंड्स, ये आपके इनपुट वोल्टेज जहाँ जहाँ पे आते हैं, पर आपका बीबैट देखेंगे बीबैट पे कोई भी येलो मार्क नहीं है, मतलब इसमें आप कभी भी हो तो आप इसमें इनपुट वोल्टेज अगर नहीं आता है तो आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं इसकी 5 पिन की बात कर लेता हूँ। तो 5 पिन ये होता है फ्रेंड्स ईएन सिग्नल का होता है जो सीपीयू को इनेबल करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 पिन सीपीयू को इनेबल करता है, जिसमें एक आपको कोड रजिस्टर मिलेगा, नॉर्मल रजिस्टर मिलेगा जो कि देख रहे हैं इसका एक सिरा यहाँ पे, इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और देखेंगे अभी कहीं भी कोई भी येलो मार्क नहीं है। जैसे मैं इसके दूसरे सिरे पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट सीपीयू से आएगा फ्रेंड्स, देखिए ये सीपीयू पे भी ब्लिंक नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। इसका आप डायरेक्ट देखते हैं इसका दूसरा सिरा कहाँ पे जा रहा है, ये ईएन सिग्नल की लाइन होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये ईएन सिग्नल की लाइन, ये ईएन सिग्नल का 5वां पिन ईएन सिग्नल का होता है जो कि इस आईसी को इनेबल करता है। जब तक ईएन सिग्नल नहीं आएगा, अगर इसमें 1.8 से 2.8 वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो ये आईसी काम नहीं करेगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं मैं इस आपको रजिस्टर और इस कैपेसिटर को भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये बिट प्रूफ वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये देखिए रजिस्टर है फ्रेंड, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे कैपेसिटर है। तो यहाँ पे आपका 1.8 से लेकर के 2.8 वोल्टेज अगर आता है, अगर इस पॉइंट पिन पे 1.8 से 2.8 वोल्टेज आता है तभी जाके आईसी काम करेगी, नहीं तो आईसी काम ही नहीं करेगी। ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका ईएन हो गया, ये आपका ग्राउंड होगा, ये आपका एक कैपेसिटर के साथ लगा होगा और ये आपका सीधा जाएगा पहला पिन डिस्प्ले कनेक्टर के माइनस पे। तो चलिए अब आउटपुट की बात करते हैं। तो आपका ये और ये पिन बीप आना चाहिए तब आपका ये बूस्ट कॉइल सही होगा फ्रेंड्स। ये आपको मैं डीपली जो नॉलेज दे रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब शेयर और ज़रूर करें। चलिए तो अब मैं बात करता हूँ इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे अब आपकी चौथी पिन की बात करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसका एक सिरा किससे लगा हुआ है, आपका सिक्स बूस्ट कॉइल का एक सिरा लगा हुआ है 6 से और दूसरा सिरा लगा हुआ है 4 से, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि 6 और 4 बीप आएगी। चलिए तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका एक सिरा यहाँ पे है, ये डायोड लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये डायोड लगा हुआ है, डायोड वो भी सीरीज में। डायोड कहाँ पे मिलते हैं, डायोड सीरीज में अगर कोई आपसे पूछे तो सीरीज डायोड आपको लाइट सेक्शन में मिलता है फ्रेंड्स, सीरीज डायोड आपको लाइट सेक्शन में मिलेगा। अब ये आपका ये माइनस सिरा होगा, ये आपका प्लस सिरा है जिसमें आपका ये बूस्ट वोल्टेज बनाएगा और बूस्ट वोल्टेज बना के बाया। अब मैं देखूंगा कहीं पे भी इसका कहाँ पे जा रहा है इसकी लाइन फ्रेंड्स, कहीं पे भी कोई बीप नहीं आ रहा है। अब मैं इसके जैसे डायोड में आपको डायोड दिखा दूँ, इसमें आप डायोड में आपको दिखाऊँ तो ये देखिए डायोड लगा हुआ है, ये आपका सिरा हो गया, ये डायोड लगा हुआ है, ये माइनस का सिरा होता है। आपको मैं सारी चीज़ें बता दूँ। अब हम जैसे डायोड के दूसरे सिरे पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने डायोड के दूसरे सिरे पे क्लिक किया तो बाया एक आपका कैपेसिटर, फिर एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगते हुए फिल्टरेशन होते हुए अगर ये कैपेसिटर कोई भी फॉल्ट होगा तो आपका बूस्ट नहीं बन सकता है, यहाँ पे आपका वोल्टेजेस नहीं बनाएगा। तो आप जाके सारे देख सकते हैं सीधे आपके डिस्प्ले कनेक्टर के, अभी तो नहीं जा रहा है, देखिए डिस्प्ले कनेक्टर के प्लस पे जाएगा, अभी कोई ब्लू आइकन नहीं आया है तो वहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है। तो देखिए जैसे यहाँ तक तो आ रहा है बट यहाँ पे पास नहीं हो रहा है। सीरीज में आपके लाइट सेक्शन में कैपेसिटर भी लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं और कैपेसिटर भी लाइट सेक्शन में सीरीज में लगे होते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए बाया आपका कैपेसिटर होते हुए ये आपका सीधे और सीधे आपके बैटरी कनेक्टर पे प्लस पे जा रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए सॉरी बैटरी कनेक्टर में बोल रहा हूँ, डिस्प्ले कनेक्टर के प्लस पे जा रहा है, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया। तो कैथोड और एनोड। तो दोस्तों अगर यहाँ पे सप्लाई आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अगर ये नॉलेज कभी भी आपके पास आएगा, ये देखिए बाया यहाँ के दूसरे सिरे पे बीप आएगी आपके कैथोड पे, अगर बीप नहीं आती है तो आप यहाँ से उठा करके एक जम्पर सीधा मार सकते हैं। अगर आपका
बैटरी कनेक्ट डिस्प्ले कनेक्टर के, और ये बीप नहीं आती है। अगर यहाँ तक वोल्टेज बनता है तो आप डायरेक्ट उठा करके वहाँ पे कनेक्टर पे जम्पर मार सकते हैं। आप सीधा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आपका यहाँ से और यहाँ पे कनेक्टर पे बीप नहीं आती है तो आप यहाँ से उठा करके सीधा यहाँ पे जम्पर मार सकते हैं और आपका लाइट आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप ये वीडियो मैंने, अगर आपके पास कभी भी A5 आए लाइट सेक्शन बनने के लिए ओप्पो का A5, तो आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं इसका पूरा सेक्शन आपको दूंगा, इसका नेटवर्क, चार्जिंग, इसकी माइक, रिंगर, डिस्प्ले, सारे सेक्शन को मैं देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इसे हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और छोटा सा मैं एक और दे दूँ नॉलेज आपको, ये देखिए इसका सर्किट सिंबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एसर टेलीकॉम में आपको बहुत ही प्रॉपर नॉलेज दी जाती है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ, ये सिक्स पिन की लाइन है एसर टेलीकॉम में, आपको बहुत अच्छी चीज़ जानकारी दी जाएगी, फुल डिटेल दी जाएगी, और फुल डिटेल मैं वीडियो में किया भी हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट एक आपका कहाँ पे जा रहा है, वही सेम है। सेकंड आपका केवल एक कैसेटर के साथ लगा था, थर्ड आपका ग्राउंड था, फोर्थ आपका देखिए एक डायोड और आपका सीधे आउटपुट लाइन है, सीधे प्लस पे जा रहा है, कैपेसिटर बाया, आपको सारी चीज़ें, यही चीज़ मैंने फुल एक्सप्लेन की है फ्रेंड्स। तो वीडियो आपको आई हो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।